नमस्कार, मैं रचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। देश में रेल हादसे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक भीषण ट्रेन हादसा यूपी के गोंडा जिले में हुआ। जी हां, यूपी के गोंडा में गुरुवार दोपहर बड़ा रेल हादसा हो गया। यहां गोरखपुर होते हुए चंडीगढ़ से असम जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। वहीं क्षतिग्रस्त डिब्बों में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। रेलवे ने हादसे को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोंडा में गुरुवार को गोंडा गोरखपुर रेलमार्ग पर मोतीगंज के पास चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में करीब 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस और रेलवे बल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस चंडीगढ़ से गोरखपुर जा रही थी। हादसा मोतीगंज थाना क्षेत्र के पिकौरा गांव के पास हुआ। वहीं गोंडा जिले में हुए रेल हादसे का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने और उनका समुचित इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के तमाम उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्षतिग्रस्त डिब्बों में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। रेलवे ने हादसे को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। रेलवे अधिकारियों के अलावा पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची है। मेडिकल टीम को भी बुलाया गया है और डिब्बों में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हादसे के बाद रूट पर आने वाली ट्रेनें बाधित हो गई हैं। सीएम के निर्देश पर आसपास के जिलों के सभी अस्पतालों सीएससी पीएससी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। वहीं यूपी सरकार और असम सरकार आपस में संपर्क में है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे पर दुख जताया है। जाहिर है ट्रेन हादसे का ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई बड़े रेल हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी रेल प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। बालासोर ट्रेन हादसा काफी भीषण ट्रेन हादसा था जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। अगर इस हादसे से रेल प्रशासन ने कोई सबक लिया होता तो शायद ये आज दुर्घटना नहीं घटित होती। फिलहाल अधिकारी और राहत बचाव की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।